सिंगरौली में पुलिस ने एक व्यक्ति की हुई हत्या की गुत्थी सुलझा दी है। हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि युवक की पत्नी के अवैध संबंध के चलते पति की हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सजहर के जंगल में एक हफ्ते पहले सिलफ गांव के रामचरण पनिका की हत्या कर दी गई थी। संधि हत्या का खुलासा करते हुए देवसर SDOP नीरज नामदेव ने बताया कि मृतक रामचरण पनिका की पत्नी से आरोपी हीरालाल के अवैध संबंध थे। कई बार रोका टोका भी गया, इस कारण उन दोनों में आए दिन विवाद होता रहता था। आरोपी ने अपने एक साथी अमृतलाल कोल के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली और जब रामचरण पनिका अपने घर के उपयोग के लिए बांस की लकड़ी लेने जंगल गया था तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे इन दोनों आरोपियों ने रामचरण के सिर के पीछे के हिस्से पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे रामचरण की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। 18/5/2020 को सजहर के जंगल में एक लाश मिली थी जिसमें अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध 249/20 का मुकदमा धारा 302 के तहत कायम किया गया था। तो इस अंधी हत्या का आज हम लोगों ने खुलासा किया है। इसमें ये हत्या मूल रूप से ये सामने आया इसमें कि ये अवैध संबंधों में चलती हत्या हुई थी और जो मृतक था उसके संबंध ये आरोपी से थे। इसमें दो आरोपी हमने गिरफ्तार किए, हीरालाल पनिका और अमृतलाल कोल। तो जो ये अमृतलाल कोल है इसके यहाँ पे हीरालाल पनिका मकान बनाने का काम करता था, तो दोनों ने फिर ये षड्यंत्र करके इसकी हत्या करी। चूँकि मृतक का विवाद जो था वो पूर्व से इस हीरालाल पनिका के साथ था, इसी बात को लेकर आए दिन में इनके झगड़ा होता रहता था कि इसकी जो वाइफ है मृतक की कि तुम मेरे भाई से क्यों मिलते हो, क्यों मेरे घर आते जाते हो। तो इसी की बात को लेके इन्होंने फिर सोचा कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। तो फिर ये लकड़ी बीनने गए थे जंगल में, तीनों लोग लकड़ी बीनने जाते थे तो वहाँ पर फिर इन्होंने अचानक से बोला कि आज इसको ख़त्म कर देते हैं। तो हीरालाल पनिका और अमृतलाल कोल दोनों ने मिलकर मृतक रामचरण पनिका की हत्या कर दी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।